12 जड़ी बूटियों से बना रेक्स ब्रेन टॉनिक खाएं। खुद भी खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। स्मार्ट लोगों की चॉइस, रेक्स ब्रेन टॉनिक। ताजमहल पर हक किसका, सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड? मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आया तो कोर्ट ने कहा कि देश में अब ये कौन विश्वास करेगा कि ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस तरह के मामले यहां लाकर कोर्ट का वक्त जाय नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान एएसआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। याचिका में एएसआई ने 2005 के उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड के संपत्ति घोषित कर दिया था। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि मुगल काल का अंत होने के साथ ही ताजमहल समेत अन्य ऐतिहासिक इमारतें अंग्रेजों को हस्तांतरित हो गई थीं। आज़ादी के बाद ये स्मारक सरकार के पास हैं और एएसआई इसकी देखभाल कर रही है। बोर्ड की ओर से कहा गया कि सुन्नियों के पक्ष में मुगल बादशाह शाहजहां ने ही ताजमहल का वक्फनामा तैयार कराया था। इस पर बेंच ने तुरंत कहा कि आप हमें शाहजहां के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज दिखा दें। बोर्ड के आग्रह पर कोर्ट ने एक हफ्ते की मोहलत दी है। दरअसल सुन्नी वक्फ बोर्ड के आदेश जारी कर ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर करने को कहा था। एएसआई ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर कोर्ट ने बोर्ड के फैसले पर स्टे लगा दिया था। मोहम्मद इरफान बेदार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर ताजमहल को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता से कहा कि वो वक्फ बोर्ड जाएं। मोहम्मद इरफान बेदार ने 1998 में वक्फ बोर्ड के समक्ष याचिका दाखिल कर ताजमहल को बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की मांग की। बोर्ड ने एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एएसआई ने अपने जवाब में इसका विरोध किया और कहा कि ताजमहल उनकी संपत्ति है, लेकिन बोर्ड ने एएसआई के दलीलों को दरकिनार करते हुए ताजमहल को बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था। अब अगला हफ्ते देखना दिलचस्प होगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड शाहजहां के दस्तखत वाला फरमान पेश करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।